तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम जी कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पीछे सनरूफ देखो क्या जबरदस्त लग रही है। सनरूफ की जो वीडियो मैंने डाल दिया वैसे तो ऑलरेडी अपने हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अभी जो है मैं गाड़ी की फर्स्ट सर्विसिंग के लिए जा रहा हूँ भाई। गाड़ी मैं दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चल चुके हैं, आप खुद कहोगे फर्स्ट सर्विसिंग के, तो सेकंड सर्विस वाला टाइम आ चुका है। बट जा इसी टाइम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिखाते हैं ना भाई। 3,445 किलोमीटर चला दी मात्र 10 दिन में अपने अपनी गाड़ी। ठीक है यार, मेरी ना रनिंग थोड़ी ज्यादा है, पूरे दिन घूमता ही रहता रहता हूँ यहाँ पे, कभी शूट पे कभी उधर उधर। खैर वो सब छोड़ते हैं, यहाँ पे राजीव वाले पे जा रहा हूँ मैं और 10 बार फोन आ चुका है। एक दो दिक्कतें भी हैं गाड़ी में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वहीं पे जाके। आगे हो गए मैं मारुति सुजुकी पास को, अपना ये ऑटोमोबाइल्स जैन मंदिर के पास है, इसी में यूजुअली आता हूँ मैं। आज भी इसी में आया हूँ। अभी देखना जी पूछेंगे क्या करवाना है जी। और मारुति वालों पानी भर रखा है बाहर, थोड़ा ठीक करवा लो, गाड़ी वॉश होकर निकलेगी उसके बाद यहाँ से गंदी हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। और खाली सा है आज, मंडे ट्यूसडे रहना इसकी वजह से चक्कर पर, ठीक है। सर्विसिंग के लिए और मारुति वाले ना बावले हो रखे, उनके पास ये पहली ब्रेजा है ये सर्विस के लिए। और ये देख रहे कह रहे टॉप मॉडल है, नहीं टॉप मॉडल मैंने कहा जी, बेस मॉडल है, इसमें ही सब सनरूफ वगैरह कराई है। तो सारे ना एकदम चारों तरफ देखो सनरूफ झुक झुक के देख रहे हो और सब एकदम ही हो रहे कह रहे भाई क्या गाड़ी है क्या गाड़ी है। अपने लग रही है गाड़ी की सर्विसिंग, हम खड़ी अपने पीछे और लैपटॉप में ले आया, वीडियो एडिट कर लूँगा बैठ के यार, यहाँ पे एक दो घंटे लगेंगे तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करा जाए। वीडियो अपलोड क्या, एडिट कर लेता हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा और काम है मेल वेल चेक करने वो भी कर लूँगा मैं। यार मेरे को ना एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी यहाँ पे, ऐसे सारे ना मेरी गाड़ी को देख रहे हो, ये बोल रहे हैं अच्छा स्विफ्ट बेच दी आपने, स्विफ्ट बेच दी। तो स्विफ्ट थी यार, फिर उस लोग उसको जानते भी थे सब लोग। इसको भी भाई ऐसा बनाऊंगा ना, रेंज रोवर टाइप, पूरी फीलिंग आई है आप लोगों को। धीरे धीरे लगा बड़ा हूँ, बस अब देखते रहना, आप ही पहचानोगे नहीं हर्ष ने क्या गाड़ी ली थी क्या बना दी। ब्लैक रूफ के साथ देख रहे हो, जबरदस्त लगेगी ना। मारुति की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हो रही है। अभी मैंने कॉफ़ी मंगाई भी नहीं थी, बट उसके बाद भी ये लोग कॉफ़ी ला के दे दिए। पास को मैं करा रहा हूँ मैं अपना दिगंबर जैन मंदिर के पास जो है उसी वाले में, बेसिकली राजीव चौक पे, आप लोग भी आके करा लीजिएगा, काफ़ी सही पास को मेरे को ये लगा है। गाड़ी जो है अपनी वॉशिंग पे ही खड़ी है। वैसे देखो यार एक घंटे का प्रोसेस है ये हार्डली, बट वॉशिंग में मैक्सिमम टाइम लगता है, उसके बाद अंदर जाके तो मेरा एक छोटा सा डाउट है वो क्लियर करा के मैं यहाँ से निकली। ये भी अपनी वॉशिंग बे में यहाँ से जो है वॉश होगी। अभी एक बार वॉश होने के बाद मैं आपको बताऊँ वॉशिंग करने का तरीका, देखो क्या ज़बरदस्त है। मतलब वो ऑटोमेटेड है पूरा का पूरा, और नीचे से पहले वो होते आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर से इसको जो है वॉश कर रहे हैं। सही है यार। देखो हम लोग बोलते हैं कि हमें इंजन में बाहर पानी नहीं मरवाना चाहिए, बट मारुति वाले खुद ही अभी इंजन में पानी मार रहे हैं। लेट्स सी मारते हैं या नहीं मारते हैं, मतलब बाहर तो मारना निषेध है, लेट्स सी कंपनी में मारा जाता है या नहीं मारा जाता, इससे क्लियर हो जाएगा। मुझे ना बस एक चीज़ थोड़ी सी गंदी लगती है कि जब मेरी गाड़ी में कोई घुस घुस के देखता है, ऐसे मत देखा करो प्लीज़। एनीवेज गाइस, मैं कल एक वीडियो देख रहा था अपने साथी भाई यूट्यूबर भाई की है, उनकी वीडियो में एक दुकान वाले ये कह रहे थे कि उनने मेरी गाड़ी में आर्मरेस्ट इंस्टॉल कराया। अब भाई मेरी गाड़ी में तो आज तक आर्मरेस्ट इंस्टॉल हुआ ही नहीं है, आगे वाला मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कहीं से मिल जाए। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बड़ी गलत लगी, बिना पूछे मेरे से मेरी गाड़ी की सनरूफ खोल रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब रिव्यू में मैं ये चीज़ बताऊँगा कि किससे पूछ के आपने मेरी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खोले। यार गाड़ी की भी वॉशिंग हुई और वॉशिंग के तुरंत बाद इन लोगों ने सनरूफ खोल दिया, अंदर पानी आएगा वो क्या। भैया इस मारुति की गाड़ी क्यों लेते हैं, बहुत से लोगों को शंका है, डाउट है। और देखो आज की डेट में मारुति अगर रूल कर रही है सिर्फ एक चीज पे कर रही है, खैर अब तो लुक्स में भी कर रही है, क्या बोलते हो टाटा वाले भाई? सही बात है ना, अब तो लुक्स में भी कर रही है, फीचर्स में भी कर रही है, मतलब मारुति के लुक्स नो डाउट हमेशा से सही रहे थे। अब बात आती है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए हो गए 10 तारीख को ली थी, आज हो चुकी है 27 तारीख, 17 दिन हो चुके हैं, नहीं 14 को ली थी सॉरी, मतलब 13 दिन के आसपास जो है मुझे हो चुके हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। भाई गाड़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, उमदा 170 लेके गया था इसको, एकदम स्टेबल है। मॉडिफिकेशंस तो इस पर लगातार आए जा रहे हैं एंड आते भी रहने चाहिए, कई सारे मॉडिफिकेशंस जो है गाड़ी मैंने करा दिया। अगर मैं 10 दिन के अंदर बताऊँ मैंने कितना काम करा दिया इसमें, तो लगभग मैंने 2.5 लाख रुपये तक का इसमें काम जो है करा दिया। और जब तक ये वीडियो आएगी पता नहीं ना इसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी होंगी, ठीक है। बहुत एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, रीज़न बीइंग कि आप लोगों को मेरे को ये बताना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि मेरे कई भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उन्हें ब्रेजा लेनी है, तो शायद मैं उन फर्स्ट लोगों में से हूँ जो ब्रेजा की सर्विस कॉस्ट की वीडियो डाल देंगे एक्चुअली में 2022 की, कि भाई मेरे को देखो पर्सनली हैरान कर दे, और राही भाई को भी मैं हैरान करूँगा इसकी सर्विस कॉस्ट बता के, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आई है। और माइलेज पहले बताऊँ, कितने लोगों को डाउट है माइलेज कॉस्ट, मैं आप लोगों को बताऊँ माइलेज क्या आ रही है इसकी, 19 की दे रही है
हाइब्रिड और उसमें आ जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और लुक्स देखो यार, क्या जबरदस्त लग रहे भाई इसके, देख रहे हो राय भाई, है ना, लुक्स तो है। एक बार टाटा वाले भाई से भी थोड़ा सा पूछता हूँ मैं, आओ गाड़ी के सामने भाई, आपका भी थोड़ा सा हम लोग बोले। तो आप इस पहाड़ों में कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है, गर्मी है पर ठीक है ना। हाँ मतलब हम फिर यार हमने अभी अभी मिलवा लिया, मजाक करो 50 होती। एनीवेज गाइस अभी मैं जो है आपको एक बार एक चीज बताऊंगा। एनीवेज गाइस अब मैं बात करता हूँ भाई टाटा वाले भाई, तो भाई आपकी फर्स्ट सर्विस कितने में हुई थी? मेरी फर्स्ट सर्विस शायद अगर एकदम फर्स्ट बोलूँ इसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ था। नहीं नहीं, जो फर्स्ट होती है हजार की, फर्स्ट होती है वो मेरी, वैसे तो मैंने स्किप कर दी थी लेकिन वो अराउंड मतलब उसमें होता कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ। तो मतलब लगा लो 1000-1200 वो भी मतलब। हाँ कुछ चीज़ें जो डाल वाले नहीं भी लेते पर हाँ पर कुछ चीज़ें डालते उनसे होती, ठीक है। बाकी आपको ब्रेजा पर 22 कैसी लगी पर्सनली? अच्छी है, मतलब अच्छी लग रही है। लुक्स के मामले में मारुति ने बहुत अच्छा काम किया, सबसे ज्यादा मुझे इसकी अच्छी हेडलाइन है ना, हेडलाइन है ऐसे अच्छी लग रही है देखने, है ना। चलो अब आपको मैं बताऊं कितना आया है मेरा, आप बताओ, आप एक बार पढ़ो खुद टोटल कितना है। बस कितना है बता दो जनता को, मेरा नंबर छुपा दो और बता दो भाई, सिर्फ और सिर्फ 34 रुपए। जिसमें इनने 34 रुपए था किसके, बस वो वाइपर में वो डाला था, शैम्पू डाला था। हाँ, उसके और किसी चीज स्क्रीन वॉशर लिखा है। तो भाई फर्स्ट सर्विस कॉस्ट गाड़ी की आई है 34 रुपए, सही है, ठीक है ठीक है। बाकी जो मेन सर्विस होगी इंजन ऑयल चेंज होगा। हाँ वो देखते उस, वो भी शेयर करूंगा मैं। बट यार देखो मारुति की गाड़ी पता है कोई क्यों लेता है, सर्विसिंग कॉस्ट की वजह से, एवरेज की वजह से। और अगर अब इनने भाई इस गाड़ी की देखो, वैसे तो 4 स्टार थी, बिल्ड क्वालिटी सुधार दी ना, ये गाड़ी मार्केट ऐसा कैप्चर करेगी कोई सोच नहीं सकता। इसके आसपास के सेगमेंट की जो गाड़ियां थी वो नजर भी नहीं आएगी, नजर भी नहीं आएगी अगर दिख ही नहीं रही। हाँ अगर बिल्ड क्वालिटी सुधार ली, नहीं सुधारी खैर खरीदेंगे तो फिर भी लोग, मारुति है भाई, मारुति का जो इंजन है ना, हाँ वो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता भाई। तो ये चीज है। पर देखो भाई एक शॉर्ट सी क्विक सी वीडियो आप लोगों के लिए बनानी थी, मेरे को बताना था कि भाई मैं तो पर्सनली हैरान हो गया था 34 रुपए देखे ना, मैंने कहा तो मेरे से भाई उनसे मेरी बात होती है, 34 रुपए भी लोगे तो मेरे से 34 रुपए मेरे मुझसे है निकला जैसे इनके मुंह से निकला है। ठीक है रुपए तो रुपए होते हैं, रुपए देखता रहा इसको, हाँ रुपए तो रुपए होते हैं और रुपए तो देने होते हैं। तो चलो ठीक है भाई, 34 रुपए कैसे लगे भाई, अमेजिंग भाई, बढ़िया था। ठीक है चलो भाई अब थंबनेल लेते हैं इसी के साथ, बाय बाय।